गाइस, मैं खुशी और आपका स्वागत करती हूँ हैजे न्यूज में। कॉमेडियन किक्कू शर्दा ने पोस्ट की एक फोटो और छलका उनके बेटे का दर्द और उन्होंने बोला कि पापा लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, उनके बच्चे ने ऐसा क्यों बोला है और किक्कू शर्दा का इसके ऊपर क्या कहना है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। द कपिल शर्मा शो तो आपने देखा होगा, बहुत ही बड़ा शो है और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आते हैं वहां पर अपनी मूवी की प्रमोशन करने के लिए। हाल ही में ही अभी हाउसफुल 4 की शूट जो प्रमोशन करने के लिए अक्षय कुमार और उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंची और उसी के साथ हम लोग आज बात कर रहे हैं किक्कू शर्दा के बारे में। किक्कू शर्दा को तो आप बाखूबी जानते होंगे। किक्कू शर्दा एक्चुअली कभी बंपर के रोल में नजर आते हैं तो कभी बच्चा यादव के रोल में कभी नजर आते हैं और लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनके जो एक्शंस है वो जान के और उनके जो कॉमेडी अंदाज है वो देख के लोग काफी ज्यादा लुटपुट हो जाते हैं, काफी ज्यादा हंसते हैं। और उसी तरीके से अगर हम लोग कपिल शर्मा की बात करें तो कपिल शर्मा भी उनके सामने थोड़ा सर झुका लेते हैं क्योंकि कपिल शर्मा को भी ये बोलने नहीं देते हैं। पर ये तो रही हमारे मंच की बात, द कपिल शर्मा शो के मंच की बात है, पर उन्होंने अपनी जिंदगी से अपने बच्चे से जुड़ी हुई एक पिक्चर एक्चुअली सोशल मीडिया पर शेयर की है। किक्कू शर्दा ने अपने बेटी की फोटो और अपनी फोटो साथ में शेयर की है और शेयर करते हुए उन्होंने ये चीज लिखी है कि मेरा बेटा बोलता है कि जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कि पापा आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा इजी है। क्योंकि उसने उसके आगे ये चीज बोली कि मेरा बेटा है वो ये चीज समझता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा होमवर्क रहता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है और जो जिंदगी रहती है वो काफी ज्यादा इजी रहती है। तो होमवर्क के साथ मेरी लाइफ को मेरा बेटा कंपेयर करता है और उसको लगता है कि होमवर्क ज्यादा डिफिकल्ट है और उनके पापा की लाइफ काफी ज्यादा इजी है। तो ये चीज देख के वहां पर जो उनके फैंस है बहुत सारे लोग उनको कमेंट कर रहे हैं और उनके बेटे को भी कमेंट कर रहे हैं और उनकी जो अंदाज है उनके जो जैसे सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं लोगों के साथ वो अपने घर की भी बात बता रहे हैं, शेयर कर रही हैं, लोग उनसे काफी ज्यादा खुश हुए हैं। उनके बेटे का नाम है शौर्य शर्दा। शौर्य शर्दा एक्चुअली ये सब चीजें सोचते हैं। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि आजकल के जमाने में पढ़ाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है सच में, और जो होमवर्क रहते हैं जो पढ़ाई रहती है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जब वो एक फर्स्ट क्लास में जाते हैं सेकेंड क्लास में जाते हैं आप उनका बैग उठा के देखो कितना ज्यादा हैवी और उनके ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ा हुआ है। जिंदगी तो है सच बात है वहां पर हर वक्त एग्जाम नहीं देने पड़ते, पर यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हर मोड़ पे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी जाती है कि उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो गाइस आपको क्या लगता है आजकल की जो पढ़ाई है वो सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है जैसे कि इनके बेटे बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।